हरा भरा दिखाई देने वाला हल्दी का पौधा जैसा ये उत्पला पौधा है, जिसको भूमि चंपा भी कहा जाता है। श्रावण का महीने में जब बारिश होता है, तभी ये पौधा इस तरह हरा भरा होकर बढ़ते रहता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा भी है, इसका जानकारी मैं बाद में दूंगा। बारिश का महीना खत्म होने का बाद ये पौधा धीरे धीरे इस तरह सूखने लगता है। इस तरह धीरे धीरे सूखते सूखते पूरा सूख जाता है, सिर्फ जमीन ही दिखाई देता है। गर्मी का मौसम या फिर बैसाख महीने में ये फूल जमीन से उगता है, इसलिए इसको भूमि चंपा कहा जाता है या फिर उत्पला कहा जाता है। पौधा और फूल कभी भी एक समय पर दिखाई नहीं देता है। ये फूल जिस तरह दिखाई देता है, लगता है जैसे जमीन पर चंपक का फूल उगकर आ गया है। बहुत सुवासित फूल होता है, इसलिए इसको भूमि चंपा भी कहा जाता है। उत्पला फूल इसलिए कहा जाता है कि जमीन से सीधा सीधा ऊपर उगकर दिखाई देता है। एक साल में ये फूल एक ही बार आता है और कुछ दिन रहने का बाद ये सूख जाता है। फिर इस जमीन के अंदर जो इसका रूट होता है, बारिश का मौसम जब आता है, फिर से वहाँ से ग्रीन ग्रीन पत्ते वाला पौधा उग जाता है। फिर धीरे धीरे वो गर्मी का मौसम जब आता है, फिर सूख जाता है, फिर फूल आने लगता है। सालों में एक ही बार आता है। बहुत सुगंधित पुष्प है, आप लोग जरूर गार्डन में लगाइए। थैंक यू सो मच।